वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हुए इंट्राडे कैश में और ऑप्शन में किस तरीके से हम सही ट्रेडिंग कर पाएंगे, इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब टेक्निकल एनालिसिस के लिए कोई भी जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कन्फ्यूजन। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही ओवररेटेड वर्ड हो गया है, जिसके पीछे लोग दौड़ दौड़ के भाग रहे हैं और किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का चार्ट देखा, फिर दूसरी स्क्रिप्ट का चार्ट देखा। कोई गलती नहीं, एनालिसिस बड़ी काम की चीज है, लेकिन पहले किसका चार्ट देखना है, चुनाव सही होना चाहिए। तो अगर पेशेंस पूरा रखे तो उस टेक्निकल एनालिसिस का सही रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन उतना पेशेंस नहीं होने की वजह से या उतना फोकस नहीं होने की वजह से हम एक दो दिन किसी चार्ट को देखते हैं, फिर उसमें कोई खास मूवमेंट होता नहीं है, दूसरे किसी चार्ट को देखते हैं। हम हो सकता है 8 दिन में 15 से 20 कंपनीज के चार्ट देख ले, लेकिन किसी में जो ब्रेकआउट हो रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट, वो हमारी पकड़ में नहीं आ पाया। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं और किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, तब तक जो आपने सोचा था, एंटिसिपेट किया था कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, पलट के आके देखा तो ब्रेकआउट हो चुका, आप इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि आपका फोकस कहीं और चला गया था। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है। सिस्टम किस तरीके से हम लोग करेंगे, कुछ टूल्स की मदद ले सकते हैं आप। सपोज in.investing.com अच्छी साइट है, वहाँ पे आपने निफ्टी 50 या निफ्टी 500 में से कुछ स्टॉक्स को चुना। अगर बहुत अच्छे ब्रेकआउट की बात करें तो मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 को भी देखा जा सकता है। तो या तो आप ऐसा कर लें कि निफ्टी मिड कैप में से आपने एक शेयर गेनर और एक लूजर ढूंढ लिया, जिसके टेक्निकल्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय और वीक शेयर में स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल दिख रहा है, और स्मॉल कैप में भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग बाय वाला एक शेयर आपको नजर आ गया जो अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब है, और स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग सेल वाला एक ऐसा शेयर ढूंढ लिया जो अपने 52 हफ्तों के लो के करीब है। 4 स्क्रिप्ट्स आपके पास है जो अलग अलग 4 सेक्टर से हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इनके अपने अपने लेवल्स होंगे। सपोज मैं ये मान लूँ कि एक शेयर है, सपोज मैंने सोचा कि आजकल मूवमेंट हो रहा है भेल में, भेल चल रहा है, सपोज BHEL 142-143 चल रहा है। चार्ट में जाके देखा, हमको नजर आया कि छोटे चार्ट में एक ब्रेकआउट का लेवल 147 पे है और एक 158 पे है। तो हम क्या करेंगे, 147-158 पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखेंगे। ऐसे ही नीचे अगर हम देख रहे हैं तो सेलिंग के लिए हमको एक लेवल नज़र आ रहा है 137 का, दूसरा लेवल नज़र आ रहा है 126 का, 37 और 26 पे भी सेलिंग लगा के रखेंगे। थोड़ा सा काम को आसान बनाना हो तो ये ऐसा कर सकते हैं कि शुरू शुरू में जो नियरेस्ट लेवल है सिर्फ वही ऑर्डर लगाइए, जब आपको लगे कि मूवमेंट आने लगे हैं तो आगे के लेवल के ऑर्डर भी लगा दीजिए। तब तो आपको उस केस में फिर 16 ऑर्डर्स लगाने की बजाय 4 स्क्रिप्ट में 8 ऑर्डर ही लगाने पड़ेंगे। तो भेल को ले लिया, फिर उसके बाद हमको नज़र आया कि मूवमेंट इधर BDL में अच्छा होता है मेटल में, फिर उधर नज़र आ रहा है हमको कि स्मॉल कैप में कोई कंपनी जो ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दिखा रही है, डोनियर कभी चल रहा था तो हमने उसका नाम ले लिया, उसको देख लिया उसके लेवल्स कैसे हो रहे हैं, या L&T फाइनेंशियल होल्डिंग नज़र में आ गया हमको, जो जो अपने साल भर के या ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं या साल भर के ऑल टाइम लो को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उन स्टॉक्स को चुन के हम वहाँ पे ऑर्डर लगा के खड़े हैं। अब सभी ट्रेडर का सवाल ये है कि ट्रेड कब होगा, तो हर रोज ट्रेड हो जरूरी नहीं है। हो सकता है आपके हफ्ते में 2 ही ट्रेड हो या हो सकता है 1 ही ट्रेड हो, लेकिन मूवमेंट बड़ा होगा, मूवमेंट बड़ा होगा और क्लियर होगा, तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कितना भी लोग ओवर ट्रेडिंग करें लेकिन आखिर में उनको देखने में आता है कि 0.5% का एवरेज मेंटेन करने में भी पसीना आ गया, मतलब हफ्ते का 3-4% बचना भी मुश्किल हो गया। ये तो मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव हूँ तब, नेगेटिव हूँ तो कह सकते हैं कि 3-4% माइनस ही कर डाला। हुआ था आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से कहाँ गलती हुई, कहाँ फंस गए पता नहीं, लेकिन
3-4% माइनस ही देख रहा है और सरदर्द हो चुका है, थक चुके हैं पूरी तरह, बाजार से घबराए घबराए से खड़े हैं। तो इतना सब क्यों हुआ? क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग में लगे हुए थे। अगर ऐसा हो कि हफ्ते में एक ट्रेड एक्टिवेट हो और उसमें हमको 5-6% मिल जाए, तो दिन का 1% तो बैठ ही रहा है आपका एवरेज, और 10% मिल जाए तो सुबह ना 2% तक बात चली जाएगी। अब जब बाजार में नए नए लेवल बनेंगे निफ्टी के, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको 15-15% के, 20-20% के मूवमेंट भी हफ्ते में नजर आ जाएंगे। और एक बार के ब्रेकआउट में भी ये चीजें स्मॉल एंड मिड कैप में तो पॉसिबल ही है। तो उसको ध्यान रखने के लिए आपसे हम यही सुझाव दे रहे हैं कि आप 4 चार्ट्स पे फोकस तो कीजिए। आप बार 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 चार्ट्स बदलते चले जाते हैं, और जो मूवमेंट आप आज सोच रहे हैं वो आज नहीं आता, कल नहीं आता, हो सकता परसों आएगा, लेकिन तब तक आपका ध्यान चूक गया होता है। तो उस चीज से बचने की बात हो रही कि एक सिस्टम हमको चाहिए, और ये सिस्टम परफेक्ट सिस्टम है ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई सिस्टम बना लीजिए, पर एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा दिमाग लावारिस नहीं भटके। मार्केट में वोलेटिलिटी होती है और 2 दिन में 4 बार हालत बदल जाते हैं, तो उस वक्त हम जो अपने प्लान ऐसा धुंधला धुंधला सोच रखा है वो भूल भुला जाते हैं, पूरी तरह कंफ्यूज होके सोच के क्या जाते हैं और करके क्या आते हैं। इसलिए हम सिस्टम्स की जरूरत समझते हैं और इन सिस्टम्स की प्रैक्टिस आपको करने को कहते हैं। अब इसमें अगर आपने 30 से 50 दिन तक इस सिस्टम को कंटिन्यू किया और रिजल्ट अच्छा आए, तो आप उसको आगे भी जारी रखेंगे, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इससे बेटर कोई सिस्टम हम ढूंढ सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उस पे चले जाएंगे। हमारा काम क्या है, अभी तक जो सबसे अच्छा मेथड हमारे पास है, जो अभी तक सबसे सुटेबल है हमारे लिए, उस पे हम काम करते रहे ताकि हमारा दिमाग कटी पतंग की तरह यहां वहां नहीं भटके, क्योंकि जरा सा टाइम नहीं लगता है मौका चूक जाने के लिए। तो आगे हम इस पे बात करते रहेंगे। अभी आप साइट पे जाएं, उसकी टेक्निकल समरी स्टॉक्स की देखें और चुनें। आप इस बात से बिल्कुल मत डरिए कि हमारे स्क्रिप्ट के चुनाव में कोई गलती हो गई, तो गलती होगी ही नहीं। ये सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर आप 4 सेक्टर के 4 स्टॉक्स को चुन रहे हैं, तो कोई ना कोई सेक्टर, कोई ना कोई स्टॉक तो परफॉर्म करता ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो मूवमेंट आता ही रहेगा। हो सकता है आपको 10% मूवमेंट के बजाय 6% मूवमेंट मिले, 6% के बजाय 4% मूवमेंट मिले, चलेगा। लेकिन अभी तक क्या आपकी ट्रेडिंग से बेहतर रिजल्ट आएंगे, इसका अश्योरेंस तो हम आपको दे सकते हैं। कीप वॉचिंग, बात करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।